बंगाल हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला, जनता सब देख रही है। ये सीएम योगी ने कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था लचर हुई, बीजेपी राज्यों में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, ये भी उनकी ओर से कहा गया। तो ममता सरकार पर यह हमला बोला गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, जुबानी हमला कानून व्यवस्था को लेकर। रामनवमी के अवसर पर या इससे पहले होली के अवसर पर वेस्ट बंगाल के साथ साथ गैर भाजपा शासित प्रदेशों में जो दंगे हुए, ये बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने, तुष्टिकरण के नाम पर वोट बैंक की जो राजनीति है, उस वोट बैंक की राजनीति ने हमेशा इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। आपने रामनवमी के अवसर पर देखा होगा वेस्ट बंगाल में फिर से रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हमले हुए, ये चिंता का विषय भी है और साथ साथ देश के लोगों के लिए एक संदेश भी है कि ये लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से निकलने वाली शोभा यात्राओं को ही सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो बहन बेटियों को, सामान्य नागरिकों को क्या ये सुरक्षा दे पाएंगे। लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की दूसरे राज्यों में काफी डिमांड है, यही वजह है कि सीएम योगी लगातार दूसरे राज्यों में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में रैलियां करेंगे। सीएम योगी की पहली जनसभा राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में दोपहर 12:30 बजे होगी। इसके बाद सीएम योगी कोरबा लोकसभा क्षेत्र में दोपहर 2:30 बजे जनसभा करेंगे, जिसके बाद बिलासपुर में सीएम योगी शाम में करीब 4 बजे रैली को संबोधित करेंगे। रामलला का 500 वर्षों के बाद अयोध्या में आगमन, पूरा देश इस बात को जानता है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से ही संभव हुआ है और छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है। तो जो छत्तीसगढ़ के बारे में कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो सबसे बढ़िया इसलिए क्योंकि हर सनातन धर्मावलंबी छत्तीसगढ़ को अपने ननिहाल के रूप में मानता है और ननिहाल जाना सबको अच्छा लगता है। तो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ वासी भी उतने ही उत्साहित हैं जितना उत्साहित उत्तर प्रदेश है।